तो दोस्तों ये टाटा S HT मॉडल है और इसका ब्रेक जो है नीचे जाकर लग रहा है, एकदम नीचे दो पैंडल में तीन पैंडल में ब्रेक आ रहा है। तो हम इसको चेक करेंगे, टाटा एस का ब्रेक डाउन होने का प्रॉब्लम क्या है। तो आप देख सकते हैं हमारा क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर, तो ये हमारा एक्सीलेटर और ये ब्रेक, तो हमारी प्रॉब्लम है ब्रेक की। तो टाटा S HT मॉडल का ब्रेक नीचे जा रहा है एकदम पैंडल पूरा। तो ये देखिए आप कितना नीचे जा रहा है, इतना नीचे जाएगा तो आपका ब्रेक जल्दी नहीं आएगा और वैसे भी दो पैंडल लगेंगे आपको ब्रेक लाने के लिए। तो सबसे पहले हमको चेक करना होगा इसका, इसमें ब्रेक ऑयल है या नहीं। तो हम ब्रेक ऑयल देखेंगे इसका, ये ब्रेक ऑयल बॉक्स है इसका और उसमें ब्रेक ऑयल हम चेक करेंगे। तो ब्रेक ऑयल तो इसमें कैपेसिटी जितनी है उतना ब्रेक ऑयल है, उतना होना भी चाहिए उसमें, उससे ऊपर भी हुआ थोड़ा तो चल जाता है पर कम नहीं रहना चाहिए। तो बॉक्स के अंदर ब्रेक ऑयल है, ब्रेक ऑयल बॉक्स में, तो इसका ब्रेक ऑयल का इश्यू नहीं है ब्रेक डाउन होने के लिए। तो ब्रेक डाउन होने के लिए दूसरा प्रॉब्लम है, उसका हमको सॉल्यूशन निकालना है टाटा एस का। तो ये देखिए आप पैंडल से तो अधर ब्रेक टच करने पर एकदम आराम से जा रहा है पैंडल नीचे ही, तो ये ब्रेक हमारा हार्ड नहीं होगा। तो हमको इसके लिए हमको चेक करना होगा इसको, हम इस साइड का जो ब्रेक टायर है ब्रेक लाइनर में से इसकी आवाज़ आ रही है, आवाज़ बोले तो ज़्यादा वर्क हो रहा है ऐसा लग रहा है। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट साइड का टायर खोल के चेक करेंगे, अगर लेफ़्ट साइड का टायर में प्रॉब्लम निकल गया तो फिर राइट साइड का टायर खोलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम 18 के नट से व्हील के, टाटा इसके रियर व्हील के नट जो होते 18 mm के होते हैं, तो हम वो चार नट खोल देंगे और वो नट खोल कर फिर उसके अंदर एक ब्रेक ड्रम होता है, तो वो ब्रेक ड्रम हमको निकालना होगा। तो ब्रेक ड्रम जैसे कि जिसके ऊपर ब्रेक लाइनर फोर्स करके गाड़ी आपकी कंट्रोल करते हैं, टाटा एस जो है आपका जब ब्रेक करने पर वो ब्रेक शू उसके ऊपर प्रेस हो जाते हैं, तो वो उससे आपकी गाड़ी स्पीड में कंट्रोल हो जाती है, तो ब्रेक ड्रम का काम वो होता है। तो ये जो आपके सामने है ये ब्रेक ड्रम है और वैसे भी हमने टायर खोल दिया है टाटा इसका रियर, तो हम उसको ब्रेक ड्रम निकालेंगे। तो उसको आप पुलर करके भी निकाल सकते हैं या आप इस तरह से फोर्स करके भी हैमर से निकाल सकते हैं, पर नॉर्मल मारना होता है। अब इसके अंदर भी देखिए सब पूरा कार्बन हो चुका है ब्रेक ड्रम में भी, और ब्रेक लाइनर जो है तो वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, तो ख़राब हो चुकी है हमारे लाइनर। तो हम उसको सबसे पहले रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने के लिए हमको सबसे पहले उसमें देखना होगा कि उसमें जो लॉक्स होते हैं टाटा इसके रियर लाइनर की, जो लॉक होते हैं और उसके स्प्रिंग्स होते हैं, वो निकलते कैसे और बैठते कैसे, तो आपको दिखाएंगे हम। तो सबसे पहले हमको उसमें लॉक पट्टी होती है और पीछे से पिन होते हैं, तो पिन वाली देखो पट्टी हमने निकाल दी है, एक माइनस प्लस टाइप में होते हैं पट्टियाँ, उनके होल इधर और पिन के होल एक, दोनों मिलाकर ही माइनस प्लस टाइप बन जाता है। हमने अभी विदाउट हैंड ब्रेक का पट्टी निकाला, अब ये जो पट्टी है तो ये हैंड ब्रेक वाली पट्टी है, तो जिसके अंदर हैंड ब्रेक की पट्टी होती है तो वो आसानी से नहीं निकलता जब तक वो हैंड ब्रेक की पट्टी को आप बाहर नहीं लौटोगे। तो ये जो हम दूसरी स्प्रिंग निकाल रहे हैं अभी नीचे की लोअर स्प्रिंग, तो लाइनर को बाहर करके ही वो स्प्रिंग निकाली जाती है, तो लाइनर को खांचे में से बाहर लेना है और स्प्रिंग को बाहर करना है। तो ये हमारी स्प्रिंग बाहर आ चुकी है, देखिए आप एक तरफ से स्प्रिंग होती है और एक तरफ से लंबी रॉड होती है इसको, तो ये लोअर स्प्रिंग थी एक। तो इस तरह के चार स्प्रिंग होते हैं टाटा इसके रियर लाइनर के अंदर, जिसमें दो बड़े और दो छोटे होते हैं। तो देखिए हमारी हैंड ब्रेक की पट्टी निकल चुकी है और हैंड ब्रेक इस तरह से काम करता है लीवर, तो टाटा इसका रियर लीवर जो होता है हैंड ब्रेक में, रियर लाइनर में ही हैंड ब्रेक होता है सिर्फ, आगे तो ब्रेक पैड होते हैं। तो हमारा टाटा इसका जो ऊपर साइड में जो स्प्रिंग होते हैं दो, ऊपर तीन स्प्रिंग होते हैं, एक राइट साइड के हैंड ब्रेक केबल में एक होती है और विदाउट हैंड ब्रेक केबल में एक होती है, तो वो दो और दो ऊपर नीचे के, तो हमारी छोटी भी निकल चुकी है बड़ी भी निकल चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ी वाली ऊपर की स्प्रिंग है
सारी हैंडब्रेक के लीवर में होती है। तो ये देखिए, ये हमारी निकल चुकी है स्प्रिंग बड़ी वाली। तो ये हमारा हैंडब्रेक का केबल है और इसके अंदर क्वार्टर पिन होती है लॉक के लिए, और क्वार्टर पिन के अंदर दो वाइशर होते हैं, एक टेंशन वाइशर और एक प्लेन वाइशर। तो क्वार्टर पिन सबसे पहले हमको निकालनी होगी, और क्वार्टर पिन निकालने के बाद तो ये हमारी हैंडब्रेक की जो क्वार्टर पिन है ऊपर की लीवर की, तो वो काफ़ी जंग और टाइट हो जाती है ख़राब होकर, उसको आपको बहुत आराम से निकालना होता है। तो ये हमारी क्वार्टर पिन निकल चुकी है, और ऊपर देखिए ये प्लेन वाइशर है, और ये नीचे जो है तो ये टेंशन वाइशर है। टेंशन वाइशर जो है तो टेपर टाइप आता है, स्प्रिंग का काम करता है प्रेशर देने का। तो ये हमारा हैंडब्रेक का जो लीवर है, तो ये लीवर हमारा लाइनर में से निकल चुका है। लाइनर तो पूरे ख़राब हो चुके थे, लाइनर तो हम चेंज करने वाले हैं अब, मगर हैंडब्रेक का लीवर हमको वही इस्तेमाल करना होता है। तो ये लाइनर जो होते हैं KBX 636, तो ये मॉडल के KBX मॉडल इसमें फिट होता है। इसमें भी दो मॉडल होते हैं, एक KBX और एक TVS, और TVS के लाइनर अलग होते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा TVS के लाइनर कैसे होते हैं। तो इस तरह से पैकिंग में आते हैं, और एक टायर के ही एक सेट में मिलते हैं आपको लाइनर। KBX की एक ख़ास बात होती है, सिंगल टायर का लाइनर सिंगल टायर में देता हूँ, यानी एक बॉक्स में, और TVS के जो लाइनर होते हैं चार साथ में आते हो। आप देख सकते हैं कि लाइनर में कितना डिफरेंस हो चुका है। अब ये पुराने वाला लाइनर हमारा कितना घस चुका था, स्टील को लग चुका था, पूरा ब्रेक शू पूरा ख़त्म हो चुका था उसका। तो इसके लिए हमारा जो टाटा इसका ब्रेक पैंडल है तो एकदम पूरा डाउन जा रहा था नीचे। देखिए आप, दोनों साइड के लाइनर स्टील के करीब चले जा चुके थे, और ब्रेक पूरा लाइनर ब्रेक शू पूरा ख़त्म हो चुका था, कि इतना मोटा थिक जो होता है उसका वो पूरा घस चुका था। इसके कारण भी हमारा ब्रेक माइनस में जा रहा था। तो हम इसको फिट करेंगे, टाटा इसके रियर लाइनर फिटिंग कैसे करेंगे तो ये आपको दिखाएंगे हम। फिटिंग करने के लिए सबसे पहले हमको हैंडब्रेक का लीवर लेना होगा, और हैंडब्रेक का लीवर लेके आपको तो पता ही है फिट कैसा करना है उसको। तो फिट करने के लिए सबसे पहले हमको टेंशन वाइशर डालना है उसमें, और टेंशन वाइशर डालने के बाद फिर हमको बिठाना है प्लेन प्लेट वाइशर। तो वो बिठाने के बाद बैठेंगे हमारी क्वार्टर पिन। तो क्वार्टर पिन आसानी से नहीं बैठती, क्योंकि उसमें टेंशन वाइशर जो होता है तो वो फोर्स बाहर की तरफ लगा के रखता है। जब तक क्वार्टर पिन बैठेंगे नहीं तब तक, तो उसको बहुत आराम से बिठाना होता है। ज़्यादा फोर्स करेंगे तो क्वार्टर पिन आपकी बेंड हो जाएंगी। तो इस तरह से एकदम आराम से आप उसको बिठा सकते हैं, और बिठाने के बाद भी उसको फोल्ड करना होता है हमें, क्वार्टर पिन को इन्हें लॉक करना होता है। जब आप उसको लॉक करेंगे तो ये आपका परफेक्ट लॉक हो जाएगा। तो ये हमारा हैंड ब्रेक का जो केबल है ये लीवर, तो वो परफेक्टली बैठ चुका है। हम फिर अब बारी आती है ब्रेक सेटिंग जो होती है इसकी, तो उसको फिट करने की। ब्रेक सेटिंग इस तरह से फिट होती है, और उसमें एक नीचे से एक स्प्रिंग लगता है, तो स्प्रिंग भी वो आसानी से नहीं बैठता, उसको भी आपको बिठाना होता है और चेक करके फिर
पेचकस की मदद से बिठाना होगा और चेक करना है उसको पूरी परफेक्ट बैठी या नहीं। अगर नहीं बैठे होंगे तो फिर आपको उसको स्क्रूड्राइवर से यानी पेचकस से आपको थोड़ा पुश करना होगा, जब जाकर वो परफेक्ट बैठेंगी। तो इस तरह से काम करेंगे हमारा लीवर, तो लीवर को बाहर करके ही मारेंगे तो आप बराबर बैठेंगी। ये देखिए आप पूरी बैठ चुकी है। इस तरह से जब बैठेंगे तो ही आपकी परफेक्ट स्प्रिंग होंगी, नहीं तो वरना वो निकल सकती है ब्रेक लाइनर में से। अब इसकी छोटी सेटिंग होती है जो बाहर से होती है, तो वो सेटिंग हमको बिठानी है ब्रेक सेटिंग के लीवर के अंदर, और उसके बाद ये जो बड़ी स्प्रिंग होती है तो ये सब ऊपर बैठेंगे, यानी लाइनर वहाँ बॉडी में एक्सल के ऊपर और ब्रेक प्लेट के ऊपर रखने के बाद ही। तो उसके लिए हमको पहले ब्रेक जो सिंगल साइड से ही उसको अंदर फिट करना होगा, और बाद में आपको ऊपर की स्प्रिंग बड़ी अटका कर फिर छोटी स्प्रिंग अटकानी होंगी। छोटी स्प्रिंग में भी एक लीवर होता है, इन्हें स्प्रिंग होती है छोटी, तो आपको वो छोटी स्प्रिंग को भी बिठाना है। वो भी सादी होती है पर बैठने में वो भी दिक्कत करती है। तो इस तरह से उसको लोड कर आपको अंदर लेना होगा। तो ये फोर्स करके आपको लोड के हमारे स्प्रिंग देखो बैठ चुकी है लीवर। अब बिठाएंगे हम नीचे की स्प्रिंग। तो लोअर स्प्रिंग बिठाने के लिए दोनों खाँचों में से लाइनर को बाहर रखना होता है, तो स्प्रिंग एकदम आसानी से बैठ जाती है। तो ये बैठ चुकी है हमारी आसानी से स्प्रिंग। अब हम जब लॉक बिठाएंगे तो सबसे पहले हमको लाइनर खाँचे में लेना होगा, लॉक खाँचे के अंदर, क्योंकि ब्रेक थाली के अंदर उसका खाँचा होता है, लॉक उसकी जगह होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नीचे साइड में उसकी जगह है, और वो उस जगह पर जाने के बाद ही आपका इस ये जगह है उसकी, तो ये खाँचे में परफेक्ट बैठना चाहिए। अभी जो हैंड ब्रेक लीवर वाला जो लाइनर है वो बाहर है, तो हम उसको ऐसे ही फिट करेंगे। पहले एक साइड से ही फिट करना है हमको, फिर हम जब उधर साइड से बिठाएंगे तो वो साइड के लाइनर को हम खाँचे में लेकर फिट करेंगे। तो हम बिठाएंगे ब्रेक लाइनर की लॉक पट्टी। तो लॉक पट्टी के लिए बाहर से लॉक पट्टी है और अंदर से पिन होती है, पिन को घुमाकर हमको बिठाना होता है। तो जो बैठ चुकी है ये, तो आप दूसरे साइड की जो होती है हैंड ब्रेक साइड की, तो आप सबसे पहले हमको लाइनर को उसके खाँचे में यानी पिस्टन में बराबर बिठाना होगा, और उसको चेक भी करना है कि बराबर बैठा है या नहीं, वरना आपके व्हील सिलेंडर के जो रबर जो होते हैं पिस्टन के वो कट जाते हैं, इस स्प्रिंग में बहुत टेंशन हो जाता है। तो आपको देख कर आराम से बिठाना है, इसमें उंगली को भी मार लग सकता है, डैमेज हो सकती है आपकी उंगली। तो ये हमारा लाइनर उसके अंदर खाँचे में बैठ चुका है। तो आप जो हैंड ब्रेक का जो लीवर होता है वो लीवर को आपको आगे पुश करके ही उसकी लॉक पट्टी बैठेंगी। अगर लीवर आगे नहीं जाएगा तो आपका ब्रेक लाइनर की जो लॉक पट्टी है वो नहीं बैठेंगी। इसके लिए आपको अलग से दो स्क्रूड्राइवर, दो पेचकस या एक आधा रॉड कुछ भी आप ले सकते हैं, जिसको लॉक करके पकड़ना होगा, उसके बाद ही आपकी पट्टी अंदर जाएंगी। जो खाँचा होता है आपका वो तो खाँचे में, तो ये देखिए इसका जो खाँचा होता है पहले मेरे के लीवर को बाहर करके रखता है, और साथ में ही उसका गाला अंदर से होता है। तो उसका गाला अंदर होने की वजह से हमको नीचे और लगाना पड़ेगा लॉक, और उसके बाद लॉक पट्टी बैठेंगी जो कि उसकी कॉलर होती है उसमें, उसके लिए बाकी कुछ भी नहीं। अगर नॉर्मल पट्टी रहेंगी तो आपकी सीधी बैठ जाएंगी, पर हैंड ब्रेक के लीवर को संभालने के लिए कॉलर वाली पट्टी ही
ज़रूरी होती है। तो हमारी लीवर की लॉक पट्टी हम बिठाएंगे रियर लाइनर की। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें भी बहुत काफ़ी सारा टेंशन होता है। तो टेंशन के साथ में लॉक पट्टी आपको प्रेस करके बिठाना होती है। आप उसके साथ कटिंग ब्लास्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं करने के लिए। तो हम नॉर्मली इस तरह से बिठा देते हैं। ये हमने लॉक जो लगाए थे वो भी निकाल दिए। अब हमारी पट्टी परफेक्ट बैठ चुकी है। फिर भी हम कटिंग ब्लास्ट से चेक करेंगे कि उसके खाँचे लॉक बराबर है या नहीं, दोनों भी चेक करने होंगे आपको, नहीं तो वरना वो निकल जाएंगे बाद में। तो ये हमारे लाइनर फिटिंग हो चुके हैं। अब ड्रम हम बिठा के चेक करेंगे कितना ओवरसाइज हो रहा है, क्योंकि पहली जो सेटिंग थी तो वो काफ़ी घसे हुए लाइनर की सेटिंग थी, और अब जो नए लाइनर फिट हुए तो नए लाइनर के फिटिंग के बाद उसकी साइज़ चेंज हो चुकी है, तो वो ड्रम अंदर नहीं जाएगा। तो हमको सेटिंग को माइनस करना होगा। तो सेटिंग माइनस करने के लिए यहाँ से पेचकस की मदद से आप सेटिंग माइनस कर सकते हैं, और वहीं से ही करना होती है। तो स्क्रू ड्राइवर से मैं आपको दिखाऊंगा करके सेटिंग माइनस, क्योंकि वो काफ़ी बारीक स्क्रू होता है इसका सेटिंग स्क्रू, तो वो छोटा होता है, दिखता नहीं बराबर। तो उसके अंदर जगह भी काफ़ी कम होती है। फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आएगा कि सेटिंग किस साइड से कम हो रही है। देखिए इस तरह से इसको नॉर्मल टाइप थ्रेड वाली है, सीधे वाले, तो वो इस तरह से आपकी ब्रेक सेटिंग डाउन होंगी, और ब्रेक सेटिंग डाउन होने के बाद ही वो परफेक्ट आपका ड्रम जो है वो अंदर बैठेगा। तो हमने सेटिंग टोटल ज़ीरो कर दी है, और अभी लाइनर जो ऊपर नीचे होते हैं तो उसका सेंटर नहीं आता। तो आपको इस तरह से दबा के पुश करके या मार के, या फिर आप जो एयर का लॉक नट होता है वो भी खोल कर आप आपका ड्रम सेट कर सकते हैं। अभी तो हम चेक करेंगे उसको पहले, और उसके साथ ही ड्रम को हम फ्रेश भी करेंगे, जो इसके अंदर कार्बन और जो उसका वो लगा है पुराने लाइनर का जो कीस घान, उसको साफ़ करना आपको ज़रूरी है। तो उसके साथ में हम लाइनर का सेंटर होते ही अब हम क्या करेंगे, उसको एक बार पॉलिश पेपर से घस के फ्रेश करेंगे, और फिर हम उसको परफेक्ट कर देंगे। और जब तक आपका ब्रेक टच नहीं करेंगे, जब तक आपके लाइनर की सेटिंग नहीं आएंगी वही सी। तो ये देखिए हमारा जो ड्रम है उसके अंदर जो रस्ट लगा हुआ था पुराने लाइनरों का कार्बन, हम उसको निकाल देंगे एक बार अच्छे से साफ करके, जिससे कि वो नए लाइनर को ख़राब ना करे। तो वो पूरा घसने के बाद ही हम उसके अंदर ब्रेक लाइनर फिट करेंगे, ब्रेक ड्रम। ये देखिए आप हमारा जो कौन सा फ्री हो चुका है। तो ये हमारा टाटा इसका रियर एक्सल का जो ब्रेक था डाउन हो रहा था, तो हम आपको दिखा दे तो ब्रेक अप जो है तो राइट एक लेफ्ट साइड में ही क्लियर हो चुका है, और पूरा आधे में ही ब्रेक फुल टाइट हो जा रहा है। तो ये था टाटा इसका रियर ब्रेक प्रॉब्लम। मास्टर सिलेंडर